हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे सब? मैं आशा करूँ कि आप लोग सब ठीक हो। तो हे दोस्तों नमस्कार, मैं लेके आ गया हूँ एक काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर वीडियो एडिटिंग का एक प्रोजेक्ट, ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि वीडियो का बैकग्राउंड को आप कैसे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पर होने वाला है, क्योंकि काइन मास्टर का काफ़ी मुझे मैसेज आ गया कि भाई आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो उसका कलर को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो आज का वीडियो आपको देखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि हम एक एडिटिंग के संबंधित आपको इस वीडियो में प्रूफ दिखाएंगे। तो काइन मास्टर को आप एक छोटा बड़ा एप्लीकेशन ना समझें, क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफेशनल है वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है। तो इसका प्रोजेक्ट मैं आपको पूरा तैयार करके बताने वाला हूँ कि आप वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सको। तो मैं एक वीडियो आपको बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो में ऐसे किया बैकग्राउंड को चेंज, इस बैकग्राउंड में आपको कितना मजा आया। तो आपको कलर को ग्रेडिंग करने के लिए आपको लेयर पे जाना है, और लेयर पे जाने के पास आपको एक इम्पैक्ट का ऑप्शन आ रहा है सेकंड नंबर पर, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सारे कुछ इम्पैक्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से सब कुछ डाउनलोडिंग करके रखा है। तो आपको भी ये डाउनलोडिंग करने के लिए इस काइन मास्टर का होम टूल पे जाना होगा, जो यहाँ पर सीधा साफ नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो आपको आना है कलर पर, और कलर पर आपको आने के बाद यहाँ पर लिखा है कलर चेंजिंग। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस कलर चेंजिंग को आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो आप जब यहाँ डाउनलोडिंग लिखा आएगा तो डाउनलोडिंग या इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, और डाउनलोडिंग होने पास आप बैक पे आ जाना है। तो ठीक है, मैं बैक पे तो मैं आगे वीडियो ड्रॉप करके काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से आपको लेयर पे जाना है, लेयर पे जाने के बाद आपको इम्पैक्ट पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक कलर चेंज का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है इसको, क्योंकि आपने पहले इसको डाउनलोडिंग करके रखा था। तो इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, फिर इस पर जाऊँगा मैं इसकी सेटिंग को एकदम इंक्रीज़ करने वाला। तो इसको मैं लास्ट तक भेज देता हूँ। तो मैं इसको लास्ट तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं इसका कलर ग्रेडिंग करके दिखाता हूँ। तो आपको करना है कलर चेंज पर क्लिक, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक सेटिंग का ऑप्शन। तो मैं सेटिंग पर क्लिक करूँगा, फिर इसको आपको 100 पे ले कर आ जाना है। ठीक है, और इसको धीरे से थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, फिर आपको थर्ड नंबर को भी बढ़ा देना थोड़ा सा, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। क्योंकि जब आपका वीडियो का रिकॉर्ड होता है ना, तो अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर लेना, क्योंकि ये वीडियो शूट होता है उसके हिसाब से ही ये सब कुछ एडजस्टमेंट होता है। तो आपको ज़्यादा इसमें कुछ छेड़ना नहीं है, बस इतना सा करने से बाद आपका वीडियो हो जाएगा। तो फ्रेंड, हमने कर दी है काइन मास्टर से बिल्कुल एडिटिंग कंप्लीट। तो आपको कैसी लगी हमारी प्यारी सी एडिटिंग? तो मैं आपको वीडियो चला के बताता हूँ कि वीडियो की कलर ग्रेडिंग कैसे हुई। तो बैकग्राउंड तो आपको लगता है किसी आईफोन से कम नहीं लग रहा है ना। तो ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिए, और मिलता हूँ नए काइन मास्टर एप्लीकेशन एडिटिंग के बारे में और भी नए वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को अभी कीजिए सब्सक्राइब, और देखते रहिए नए नए एडिटिंग के संबंधित वीडियो। तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए, और चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ रोज़ नए एडिटिंग के संबंधित वीडियो। तो मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।